मध्य प्रदेश में हार के बाद कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई और हार के कारणों पर मंथन किया। इस मंथन में एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ करके ये चुनाव जीता है। कांग्रेस की मंथन बैठक में अधिकांश लोगों के निशाने पर ईवीएम रही। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बैठक में चिंतन मंथन किया गया है। लोकसभा का 4 महीने बाद एक बड़ा चुनाव है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और वो लूट ली गई। मंथन करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जो मशीन 11 घंटे चली है उसकी बैटरी फुल होना सवाल खड़े करता है। नहीं, अभी तो सिर्फ चिंतन हुआ है। मंथन के लिए बड़ी बैठक अलग होगी और संभाग वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये अलग से हम वरिष्ठ जन मिल के संगठन के साथ करेंगे। आज सिर्फ चिंतन बैठक थी और ये ज़रूरी भी था कि चुनाव के बाद अपने उन साथियों से जिन्होंने बड़ी दमदारी के साथ विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, जो जीते हैं उनका हौसला बढ़ाना और जो हारे हैं उनकी हौसला अफजाई करना ये आवश्यक है, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा का बड़ा चुनाव है और ऐसे समय पे उन गहरे मुद्दों को उनकी छानबीन की जाना आवश्यक है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और वो लूट ली गई ये बोलने, तो लोकसभा में ऐसा ना हो इस बात के लिए हम अभी से जान लग रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि आज तो सिर्फ चिंतन, 2-3 दिन तो हो गए, मंथन तो मंथन बैठक अलग होगी। लोग थके हुए थे, लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, तो आज एक मोटी मोटी बात जो उनकी अलग अलग जगह से लोगों ने माइक पे अपनी बात कही है उन सारी बातों का। हाँ, ईवीएम का बात तो है। देखिए, 11 घंटे एक वोटिंग ईवीएम मशीन से वोट डलता है, 11 घंटे मशीन चालू है, वोट डल रहा है, कई दिन फिर लॉकअप में बंद होती है जहाँ काउंटिंग होना है, और जब वो निकाली जाती है तो 99% बैटरी चार्ज मिलती है, ये कैसे संभव है? विधायक हीरालाल अलावा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी क्षेत्र में खूब प्रलोभन दिया, भाजपा ने बहुत भ्रम फैलाए हैं और आदिवासी क्षेत्र में अशिक्षित वोटर को भ्रमित करने में बीजेपी सफल रही है। देखो, हार को लेके देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से पीछे रही है और उसके कई कारण भी रहे हैं, जिसमें बूथ लेवल पे जो BLA से लेके मंडल सेक्टर तक की भी कहीं कहीं कमजोरियां रही है। आगामी समय में हम लोग सब जो भी कमियां रही है उनको दूर करेंगे और निश्चित ही मध्य प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा विपक्ष की भूमिका देंगे और आने वाले समय में हम अपनी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी क्षेत्रों में तो प्रलोभन दिए, आदिवासी क्षेत्रों में खूब भ्रम और अफवाह फैलाई और उसी कारण कुछ मतदाता जो आदिवासी क्षेत्रों के जो अशिक्षित थे, ऐसे मतदाताओं को बीजेपी प्रभावित करने में कामयाब हो गई। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर क्लास के थे, उनको कई प्रकार के प्रलोभन लालच दिए गए और उनके लालच में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मनावर जैसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और RSS का दाव नहीं चला, हमने चारों खाने चित्त किया और उनको हराया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पुलिस, पैसा और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विक्रांत भूरिया ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने भाजपा की एक तरफा मदद की है। सारी बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सब बैठक इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सारे प्रत्याशियों को बुलाकर कहाँ कहाँ कमी रह गई, किन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सामने आ चुके हैं और सबने, सारे प्रत्याशियों ने भी अपनी बात रखी, क्या गड़बड़ लग रही है, कहाँ कमी पेशी रही, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसमें मैं सबको सलाम करता हूँ, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुस्तैदी से पुलिस, पैसा और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसमें से किसी भी मेहनत में कोई उंगली नहीं उठा सकता। प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने ज़बरदस्त एक तरफा बीजेपी की मदद करी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से अगर किसी पर अत्याचार हो रहे थे, ये गड़बड़ी कर रहे थे, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई, और अगर किसी पर आपत्ति ली जाती, कलेक्टरों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो निश्चित तौर पर प्रशासन ज़बरदस्त दबाव में चल रहा था। और आज जिस तरह से कई चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से 12 तारीख को चुनाव आयोग अनुमति दे देता है लाडली बहना के पैसे डालने के लिए सबके खाते में,
पेंशन का आखिरी दो दिन में पेंशन के सारे पैसे जो तीन चार महीने से नहीं मिला वो उनके खाते में डाल दिए जाते हैं, किसान सम्मान निधि डाल दी जाती है, तो चुनाव को प्रभावित करने वाली चीज़ें थी। अगर ये डालना था तो आचार संहिता के पहले डालना था और उसके बाद इसको चुनावी मुद्दा बनाने का इनने पूरा प्रयास करा और बनाया भी। और हमारा ये सीधी सीधी आयोजन पर कि चुनाव आयोग को इस तरह की अनुमति नहीं देना थी, या तो अब चुनाव मत करवाओ, लोकतंत्र का गला घोटना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बीजेपी को सब आते हैं। तो अब चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा थी कि इस बार निष्पक्ष का काम करेगा, पर चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्षता नहीं दिखाई गई है। पर हम फिर भी नहीं हार मानेंगे, जो दायित्व हमको दिया गया है कि पूरी ताकत से सदन में आवाज़ उठाने का, जनता की आवाज़ उठाने का, वो दमदारी से उठाएंगे। पहले सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, अब सड़कों पर भी लड़ेंगे और सदन के अंदर भी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।